सबसे पहले 1.5 महीना से प्रयास कर रहे थे कि आज के दिन सबको श्रम कार्ड दे सकें, तो भी आधे लोगों को श्रम कार्ड हम दे पा रहे हैं और हेल्थ कार्ड दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी संख्या हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी ये जो कैंप है अभी और 1-2 महीना और चलेगा, और मेरा प्रयास है कि हेल्थ कार्ड, श्रम कार्ड और आयुष्मान कार्ड भी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि 5 लाख की जो स्वास्थ्य की सुविधा है लोगों तक पहुँचे। इसी के प्रयास में हम 3 जगह ये चला रहे हैं, हमारे प्रदीप गौड़ जी अंबुजवाड़ी में, और यहाँ पर मुन्ना गुप्ता जी, और मड में गुरु यादव नंदन सिंह के द्वारा कैंप लगाया गया है, और हर जगह प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और वो अपने जागरूक होकर अपने ही फ़ायदा उठाएं। इसमें कुछ भी हमको नहीं मिलने वाला है, उनके फ़ायदा के लिए है। आज 2 लाख का भी जो राशि मिल रहा है मजदूर लोगों को, असंगठित मजदूर को, तो वो भी उनको ही फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसा में मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री की योजना का फ़ायदा उठाएँ और अपने जीवन को सरल बनाएं। मलाड में अभी मेरा प्रयास है कि कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग का हेल्थ कार्ड और ई श्रम कार्ड बने। और रहा बात आयुष्मान कार्ड का, तो आयुष्मान कार्ड का तो एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार लोग को आना पड़ता है। हमारे दोस्त विजय सेठी जी आए हुए हैं। विजय सेठी जी का आग्रह किया मंच पे, लोगों की ये सेवा प्रदान की, 10 से 15 हज़ार लोगों को आयुष्मान कार्ड देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिस्टम यही है कि वो सरकार की तरफ से अप्रूव्ड होता है, और अप्रूव्ड होने के बाद ही मिलता है। सब कोई को आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता है, उनके इनकम का देखने के बाद उनका क्या उनका आमदनी है उसके हिसाब से आयुष्मान कार्ड मिलता है। जो उस चीज़ को के अंदर आएंगे उन सबको मैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आयुष्मान कार्ड दिलाऊं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को अपना कार्ड बनवाना हो तो किस तरह से आपसे संपर्क करें? हमारा कार्यालय यहाँ पर है, 3 जगह कार्यालय है, तीनों कार्यालय में से कहीं पर भी आएंगे उनके यहाँ पर है, हमारी नेहा बताएगी। थैंक यू। विशाल जी को उनका जन्मदिन है आज यहाँ पर, इस तक्षशिला अपार्टमेंट में वार्ड क्रमांक 49 के बॉर्डर पे हमारे नेता विशाल भगत जी का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया, और सभी लोग अपनी शुभकामनाएं उनको दी, और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका ये जो कुशल नेतृत्व है ऐसे ही यहाँ की गरीब जनता को लाभान्वित करती रहे। जैसा कि आपने देखा कि अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हमने श्रम कार्ड और जो इंश्योरेंस कार्ड है, यहाँ की असंगठित क्षेत्र के जितने मजदूर वर्ग हैं उनको प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितनी भी जनोपयोगी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं उनका व्यक्ति के, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उन लोगों का ये नारा है कि जो लास्ट छोर का व्यक्ति है उस तक हमारी सुविधाएं पहुंचे, तब हमको संतोषजनक, एक आशाजनक हमको ये प्राप्त होगा कि हमने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। और आज के दिन ये जो सभी लोगों को कार्ड बांटे गए, और आने वाले दिनों में जैसा कि हमारे नेता ने बताया कि हम इस लक्ष्य को और आगे बढ़ाएंगे, 10 से 15 नहीं, जिस प्रकार से और जिस गति से कार्य चल रहा है मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और इसमें एक सच्चाई है कि ये जो आयुष्मान कार्ड है इसमें
ज़्यादा करके गरीब क्षेत्र जो होता है वो रूरल एरिया में आता है, अर्बन क्षेत्र में इसका जो सेंसस है वो 2011 तक के जिन लोगों का नाम उसमें आया है उन लोगों को दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो और कुछ अच्छा हो सकेगा, हमारे नेता ने कलेक्टर के पास, तहसीलदार के पास सारी प्रकार की जो यंत्रणाएं हैं उनको उन्होंने क्रियान्वित किया हुआ है, और जैसे ही सक्सेस होगा ये सुविधाएं उनको भी प्रत्यक्ष रूप से दी जाएंगी। इसके अलावा विशाल जी, आपसे आखिरी चीज जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह के कार्य आपकी ओर से होने वाले हैं? आने वाले दिन में जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे गोपाल शेट्टी साहब हो गए, हमारे जितने भी हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक लोग हैं, जैसा उन्होंने बताएंगे दिशा निर्देश देंगे उस हिसाब से चलेंगे। आजकल मैं सबसे पहले विशाल भगत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और इसलिए बधाई और दूंगा कि इन्होंने यहाँ पर हमारे एरिया में आकर के जो ऑफिस खोला है उसके लिए भी उनको बधाई दूंगा कि हमारे बीच में एक बड़े नेता कम से कम आकर के ऑफिस खोले और लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, उसके लिए भी इनको मैं तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। और ऐसे ही अच्छे काम करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, मेरी सब यही कामना है। विशाल हैं और शरीर से भी विशाल हैं, इनका हृदय भी विशाल है, और इनको शुभकामनाएं हैं कि ये ऐसे ही काम करते रहें, सबका सहयोग इनके साथ रहेगा और ये सबका साथ निभाएं, हमारी यही कामना है। इनके जन्मदिन पे शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।